अक्सर देखा जाता है कि हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ वजन बढ़ाने या वजन कम करने या फिर बॉडी को चुस्त दुरुस्त बनाने की बात करते हैं। खास तौर पर महिलाएं तो हमेशा खुद को पतला या मोटा करने के बारे में ही सोचती हैं, लेकिन अपनी बॉडी के सबसे जरूरी अंगों को हमेशा नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि हमारे शरीर का सबसे खास हिस्सा हमारा दिल और दिमाग होता है, जिसके बिना सब अधूरा है। बूढ़े होने पर सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे दिल को आती है और साथ ही हमारा दिमाग भी कमजोर होने लगता है। हालांकि बुढ़ापे में जोड़ों का दर्द भी बहुत परेशान करता है, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि इन दोनों समस्याओं का इलाज आप आसानी से कर सकते हैं, जिसे सही समय पर इस्तेमाल करने से आपको जिंदगी भर फायदा मिलेगा। जी हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात कर रहे हैं, जिससे दिल और दिमाग के साथ साथ आपके जोड़ों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक एसिड है जिसे हमारा शरीर खुद से नहीं बना सकता, लेकिन इस वजह से हमें इसे फूड की हेल्प से अपने शरीर को देना होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में दो चीजें होती हैं, जिनके नाम EPA और DHA है। आइए अब बात करते हैं हमारे दिल के लिए क्या काम करता है। आपको बता दें कि EPA हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करता है, जो भविष्य में दिल की बीमारियों, खासतौर पर हार्ट अटैक से बचाने में काफी मदद करता है। हालांकि ऐसा अभी साबित नहीं हुआ है कि डाइट में EPA लेने से आपको कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन इसके होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और ऐसा कहा जाता है कि इलाज से बेहतर सावधानी होती है। इसके बाद बात करते हैं DHA के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DHA आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही ये आपके जोड़ों को भी काफी हेल्थी रखता है। DHA लेने से जोड़ों में होने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकता है। बुढ़ापे की मानी जाने वाली ये बीमारी अब किसी भी उम्र में हो सकती है। दूसरी तरफ DHA याददाश्त को दुरुस्त रखता है, जो कि समय के साथ कम होती जाती है। पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए तो DHA काफी महत्वपूर्ण होता है, ताकि उनका दिमाग तेज हो सके। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि EPA और DHA दोनों मिलाकर ओमेगा 3 फैटी एसिड बनाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के फूड में मिलता है, लेकिन मछली में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हालांकि मछली बनाना और खाना दोनों थोड़ा मुश्किल काम है, इसीलिए आप मछली के तेल के कैप्सूल ले सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मछली खा भी सकती हैं। जबकि वेजिटेरियन महिलाओं को ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी और चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में मिल जाता है, जो आपको बाजार से आसानी में उपलब्ध हो जाता है। आप चाहे तो इसे भिगोकर सेवन कर सकती हैं। एक्योरेन हेल्थ डेस्क रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।